रहा है, हम गीत गाते हैं, नीले आसमान के पास जाए वहां हमारा यीशु रहता है कर। और तीसरी जगह पे जो है ये स्वर्ग लोक है करके ये पे वर्णन किया गया है। और इसके साथ साथ में ये जो व्यक्ति है जो कुकर्मी है जो परमेश्वर को जो ग्रहण किया उसके बारे में मैंने बहुत साल के पहले एक किताब में पढ़ा था, जो यीशु मसीह पैदा हुआ था तब उनको नहलाते थे उस पानी को लेकर के, उस पानी जो बाहर बह आता था उस पानी से इस व्यक्ति को भी नहलाया करके वहां पे लिखा, मैंने पढ़ा था, मगर इतना सच है मालूम नहीं है, मगर उसके बारे में सिर्फ एक ही शब्द मैंने वहां पे देखा, उस पानी में इसको नहलाया। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह और उस कुक्रम के कुछ तो संबंध इसका साथ में था। और यहाँ पे हम देखते हैं प्रकाश का दूसरा 7 पढ़मा, प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय 7वां वचन, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। ओ, क्या है, कहां पे है? जो स्वर्ग लोक में है उस वृक्ष, इस वृक्ष कहां था पहले आप देख सकते हैं, उत्पत्ति 3:22 में देख सकते हैं, उत्पत्ति 3:22 में अपन देख सकते हैं, वहां पे लिखा है आदम और हवा को परमेश्वर पिता ने बनाया और उस एदेन वाटिका में वहां पे रखा गया। हाँ पढ़ ले बेटा, उत्पत्ति 3:22, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसीलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसको क्या कर दिया गया है वहां पे? बंद कर दिया गया है। कब? जो मनुष्य पाप से गिरा उस समय पे उस जीवन के वृक्ष को क्या कर दिया? बंद कर दिया। मगर यहाँ देख रहे हैं प्रकाश में देख रहे हैं किस दिन एक पापी व्यक्ति जो परमेश्वर को पुत्र यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद उसको जीवन का वृक्ष वहां मिलने के लिए देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर का स्वर्ग लोक में जो उस जीवन के वृक्ष के खाने के लिए ने देता है परमेश्वर। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस कुकर्मी ने, एक ने तो उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने उसको ठट्ठा उड़ाया, और जो दूसरे ने क्या किया, अपने परमेश्वर पिता को ग्रहण किया और उसकी क्या कर लिया, अपने जीवन में ले लिया। तो पवित्र एक जा इसमें अभी हम बैठे हैं एक चर्च है, इसका बाहरी स्थान एक है, अंदर स्थान पवित्र स्थान है, और इससे भी परम पवित्र स्थान है, जो अपने पासवान जो बैठा है वो परम पवित्र स्थान बोला जाता है। ये परम पवित्र स्थान को जाने के लिए किसको ये है, सिर्फ जो परमेश्वर को चुना हुआ लोग उसमें जा सकते। इसी प्रकार परमेश्वर कुछ लोगों को उस फल को देने के लिए तैयार रखा है, सबके लिए नहीं है, जो किस दिन परमेश्वर पिता को पूरे रीति से पूरे मन से उनको ग्रहण कर लिया और उसी के पीछे चले, तो ऐसे लोगों को क्या कर दिया परमेश्वर पिता, वो जीवन का वृक्ष रखा है। और यहाँ पे जो कुकर्मी ने क्या कर दिया, पहचान लिया, एक ने नहीं पहचान पाया, दूसरे ने यीशु मसीह को पहचाना और वहां पे देखते हैं, क्योंकि लुका लिखित सुसमाचार 25:15-10 पढ़कर देखे, वहां पे लिखा है एक पापी अगर मन फिराए तो स्वर्ग में बहुत बड़ा आनंद होता है। पढ़ ले मां 12:15-10 लुका, लुक हेलो लुक 15:10 लुका रचित सुसमाचार 15:10 अध्याय, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। बस एक पापी अगर मन फिरा देता है और परमेश्वर को ग्रहण करता है उससे सबसे बड़ा आनंद कहां देवदूत का बीच में हो जाता है,
तो किस दिन इस कुकर्मी ने अपने परमेश्वर पिता को ग्रहण कर लिया और परमेश्वर पिता ने उसको पुत्र ने यीशु मसीह ने उसको क्या वायदा कर दिया, उस वायदा को क्या कर दिया, उनको पकड़ा। तो वहां पे क्या हो जाता है, परमेश्वर के जो स्वर्ग में, स्वर्ग लोक से स्वर्ग अलग है, स्वर्ग में जो वहां पे देवदूत के सामने बहुत बड़ा खुशी रहता करके वहां पे लिखा है। और उसी के 23 और 29 पढ़कर देख ले। लूक 23:39, जब तू अपने 23 लूका 23:39, जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं, तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता, तू भी तो वही दंड पा रहा है। यहाँ पे ये देखते हैं, सबसे बहुत दुनिया में सबसे अच्छा काम उसने चुन लिया था, उसको कर्मी ने चुन लिया था, क्योंकि सिर्फ परमेश्वर को ग्रहण किया। परमेश्वर के एक बार ग्रहण करने के बाद क्या कर देता है, वो दुनियादारी के बात में फिर वापस नहीं आता। तो इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं उस कुकर्मी ने उस परमेश्वर पिता को यीशु मसीह को अपनाया और उसके साथ अपने नाता जोड़ लिया। तुरंत वहीं के वहीं किस दिन मनुष्य ने अपने मन फिराया और मसीह को अपना ग्रहण कर लिया, तो क्या कर देता, परमेश्वर पिता अपनी जगह पे उनको ले लेता और उनके फिर से वापस, वो फिर से वापस मुड़ कर देखना नहीं, क्योंकि लोत का पत्नी को आप जानते हैं, वो अपने वहां से सोदम कुमारा जो इसमें से निकल कर आ रहे थे, तो क्या किया, अपने संपत्ति और अपने सारे चीज को उन्होंने याद किया लोत की पत्नी ने और मोड़ कर देखी और कंबा, नमक का कंबा बन गया। जो किस व्यक्ति परमेश्वर पिता को एक बार ग्रहण कर लिया वो पीछे मुड़ कर नहीं देखना, तो वो क्या हुआ, फिर वापस वो दुनियादारी में आ जाते। यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर पिता का पुत्र यीशु मसीह को उन्होंने ग्रहण कर लिया और तुरंत उन्होंने बोल दिया, आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग में रहेगा करके लिखा है। और यशायाह नबी का किताब 45:22 में देखेंगे, यशायाह उसका 45:22 तुम मेरे और फिरो, हाँ, और उद्धार पाएंगे। जो परमेश्वर को देख करके उनको पास अगर जाए तो वो क्या, वहां पे उद्धार देने के लिए परमेश्वर तैयार रहता है। हेलो, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर। तो बस ये ना, तुम मेरी ओर फिरो और तुम उद्धार पाएंगे। परमेश्वर पिता का किस दिन दृष्टि अपना मनुष्य उनके ऊपर देखेगा, वहां उद्धार देने के लिए परमेश्वर पिता है। पुराना नियम में हम देखते हैं तो सत को बना के वहां पे कितने लोग उनको देखे और उन लोग वहां पे क्या जीवन पाए, उनके बीमारी से छुटकारा पाए। उसी प्रकार परमेश्वर पिता का यहाँ पे इसको कुकर्मी इस पुरुष को देखा और वहां पे परमेश्वर को ग्रहण किया। और वहां पे जो किसी को नहीं मिलता ऐसा वृक्ष पाने के लिए लायक बन गया वो आदमी यहाँ पे। इसलिए परमेश्वर हरेक चर्च में क्या कर देता, जो अपने आप को मन फिराना सारे इसमें पूरे निचोड़ के अगर निचोड़ के निकाल देंगे तो ये क्या हो जाता, मन फिराना सबसे बड़ी बात रहे, सबसे बड़ा तो काम है मन फिरा के। एक बार मन अगर फिरा दिया, यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, फिर वो दुनियादारी में नहीं जाएंगे, ऐसा इस प्रकार इसी में हम जानते हैं। और ये दूसरा लूका 19:9 में पढ़कर देखेंगे, आप सब जानते हैं इसका 19:9 में जकेयु के बारे में हम पढ़ते हैं। लूका 19:9, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसीलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है,
इस घर का आज उद्धार आया। कब? जो यकई ने अपने उसमें से जो ऊपर बैठा था उसमें निकल के नीचे आया और मसीह को आमने सामने देखा, तब उद्धार पाया। आज आपके लिए और मेरे लिए इस उद्धार की चिन्ह हमारे लिए रहता है। जो उस उद्धार को परमेश्वर पिता हमें देने के तैयार रहता है, उसको लेने के लिए हम अगर तैयार रहेंगे तो परमेश्वर पिता हमें आशीष करने के लिए तैयार रहता। इससे बड़े परमेश्वर पिता का वहां पे हम देखते हैं मैथ्यू 7:21-22 भी पढ़ आकर पढ़कर देखिएगा। मत्ती 7:21-22 जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से एक मिनट जो हाँ पढ़ लो बेटा पढ़ लो जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। नहीं कर सकता। हाँ, जो ये प्रभु जो बताते हैं, जो बोलते हैं, वो क्या नहीं कर सकता? स्वर्ग में प्रवेश और नीचे परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और हमने तेरे नाम से क्या नहीं किया, भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, दुष्ट आत्माओं को निकाले हमने और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। आश्चर्य कर्म अद्भुत काम भी किए है। हाँ, कभी भी क्या वहां पे उनको क्या आंसर मिलता है? मैं तुम्हें आखिर में क्या लिखा, मैं तुम्हें नहीं जानता, है ना? क्या लिखा है? मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। कितने भी आश्चर्य कर्म किया हूं करके अगर परमेश्वर पिता के सामने जाकर अगर गिड़गिड़ाते तो भी उनकी एक ही शब्द रहता। क्यों? उनके मन चुराने के बाद उनकी बात में उनके मन में नहीं होगा, नहीं सोच रहा भाई। जो अगर आप और मैं परमेश्वर के सामने मन फिरा के अगर चले तो परमेश्वर पिता हमें क्या करने ग्रहण करने के तैयार रहता है, अपने उद्धार देने के लिए भी तैयार। परमेश्वर को धन्यवाद हो। आज उस कुकुरम के नाम से आप और मैं ये एक शब्द को मन फिराने के इस शब्द को हमने सीखा, इसलिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद। आइए अपने आंखों बंद करें और प्रार्थना करें। ईश्वर पिता हम धन्यवाद करते प्रभु जी आज की इस वचन के द्वारा। परमेश्वर पिता हमारा पुराना जीवन को और सारे जिंदगी को याद करने के लिए फिर से एक मौका दिया प्रभु, इसलिए धन्यवाद करें। इस प्रकार परमेश्वर पिता दूसरे कुकुरमी ने जो आपको ग्रहण किया और बहुत बड़ा पदवी उस स्वर्गलोक में उनको मिल गया, उसी पदवी को परमेश्वर पिता हमें भी देने के लिए आप कृपा करने के लिए आपसे विनती और प्रार्थना करते और सारे आदर महिमा का साथ में प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनो और ग्रहण।